यार, कितनी मोनोटनस है यार, सेम काम है यार, सो बोरिंग मैन, आई लेट मी चेंज माय जॉब, दिस जॉब जो चेंज चेंज की वहां चेंज करने वाला बॉस है वो मेरा स्क्रू के जा रहा है अबे तेरी तो, ओ यार मर गया यार, ओ माय गॉड, मुझे साहब इस निकालो प्लीज, सबसे प्लीज 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 प्लीज। हां एक तो ये कि अगर ब्रेकअप अगर हो गया है तो लड़की को जाकर के, लड़के को लड़की को जाकर के धन्यवाद कहना चाहिए, यार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, थैंक यू सो मच, तुमने सस्ते में निपटा दिया मेरे को, बाद में आके थोड़ा होता शादी के बाद तो फिर तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तुमने बहुत जल्दी मेरे को ये अकल दे दी, थैंक यू सो मच। बेसिकली ऐसे लोग कम समझदार होते हैं, और जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो भगवान को भी थैंक यू नहीं बोलेंगे। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, मैं मिला था उससे, उसने कहा मैं बहुत गुस्सा हूँ भगवान से, क्यों गुस्सा हूँ, कहते मैंने भैया मैंने जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था जी, मेरे मेडिकल में क्या भगवान ने कराया ही नहीं, मेरा इंजीनियरिंग में करा दिया, तो फाइनली आई गॉट इनटू अ प्रोफेशन विच आई नेवर लाइक्ड इट, यू नो मैं तो MBBS डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने कहा अच्छा, वो इस बात से शिकायत है आपको, कहते हैं यस। हाउ आर यू गाइस, दिस इज यश तोशी फ्रॉम द अनकॉमन माइंड टॉक्स, एंड आज मेरे स्पिरिचुअल मेंटर, मेरे लाइफ कोच बैठे हैं मेरे साथ। एक्चुअली मेरी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स होती है दो सॉल्यूशंस मुझे दिखते हैं, एक श्रीमद् भागवत गीता और एक मेरे स्पिरिचुअल मेंटर्स के वीडियोस। और आज अमोघ लीला प्रभु जी मेरे साथ है, सच एन ऑनर, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल पॉडकास्ट बाय अनकॉमन माइंड टॉक्स। थैंक यू सर, लेट्स गो रोलिंग। तो प्रभु जी मुझे एक छोटा सा मुझे बोलना है कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई। एक्चुअली जब कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था तो वहाँ पे सब लोग डरे हुए थे, मैं भी उसमें से एक था जो डर रहा था, और मृत्यु का डर आई गेस सबसे बड़ा डर होता है जीवन में मनुष्य के। और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक आइडिया दिया कि तू तो डिस्ट्रैक्ट कर दे अपने फियर को। सो मैंने मेरी फियर को डिस्ट्रैक्ट किया, राधा कृष्ण सीरियल आती थी एक स्टार प्लस, सो मैंने वो देखना स्टार्ट कर दिया, और आई गेस बहुत सुपर है। अगर बेसिक स्पिरिचुअलिटी की मुझे वहाँ से समझ में, कर्म क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलती है, क्या होता है, और वहाँ से भी बेसिक स्टार्ट हुई। और जब वो कंप्लीट हो गई तब उस तब मैंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ी, फिर गरुड़ पुराण पढ़ा, और आज मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ। ये मेरी स्टार्टिंग थी। प्रभु जी मैं जानना चाहता हूँ आपकी स्टार्टिंग क्या से, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कहाँ से एंटर हुई। स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में आई थी इन द फॉर्म ऑफ भगवद गीता वर्सेस फ्रॉम NCERT बुक 7th स्टैंडर्ड। तो उसमें एक वर्ष था, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, कि मन बहुत चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है। मैंने कहा ये तो मेरा मन है, ये मेरी NCERT किताब में मेरा मन के बारे में कैसे लिखा है, लेकिन ये तो बहुत हैरानी की बात है। तो आई आस्क्ड माय टीचर, तो टीचर ने कहा बेटा वैसे 700 श्लोक है आपके, मैं सिलेबस में से ये 7 श्लोक है, बट देन वॉज अ थर्स्ट फॉर द भगवद गीता, कि ये तो पोल खोलने वाली किताब है भाई, ये तो एकदम एक श्लोक में इतनी पोल खुल गई, 700 श्लोक में कितनी कितनी पोल खुल जाएंगी। सो देन देर वॉज अ थर्स्ट फॉर द भगवद गीता। सेकेंड वॉज आई वॉन्टेड टू गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, क्योंकि मुझे लगता था भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मुझे ना भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। सो देखो ये चाहती भगवान से मिलना और भगवान को थैंक यू बोलना, और जैसे मैंने बताया कि आई वॉन्ट डू गुड फॉर ह्यूमैनिटी, कि मैंने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो पहले मैंने लक्ष्य बनाया था कि बहुत अमीर आदमी बनूंगा, गरीबों को खिलाऊंगा और मैं सबका भला करूंगा, पर मैंने देखा लोगों के पास पैसा भी है, पेट ही भर रहा है, दिक्कत मन में ज़्यादा है, तो लोगों की मन की सेवा ज़्यादा करना ज़रूरी है। सो दैट फेज इस तरह से वो एक थर्स्ट शुरू हुई। देन आई ऑफ कोर्स आई मेट वेरियस गुरुज, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, तो दैट फेज सबसे कुछ कुछ लेडीज गुरु से, कुछ कुछ यहाँ प्रभु गुरु थे, कुछ इंडियन थे, कुछ जर्नी थे। सो बट भगवान जैसे वो लंबी जर्नी क्विकली हो गई है, बिकॉज मेरे सवालों के जवाब नहीं होते थे किसी के पास, बट वेयर आई फाउंड ऑल द ऑथेंटिक आंसर्स, ऑथेंटिक आंसर्स एंड ऑल द लॉजिकल आंसर्स एंड बोनाफाइड आंसर्स एंड जेन्युइन आंसर्स विद गुड प्रैक्टिसिंग बैकग्राउंड ऑफ द person who is giving the answers, वो मुझे फिर हरे कृष्णा डिवोटी से मिला। Here there is culture, there is purity, भगवान का नाम है, सनातन धर्म है, there no बाबा जी की पोथी, बाबा जी saying something, there's nothing like that. So in this way, journey finally पहुंची, फिर हरे कृष्णा की नदी में पहुंची, तो घाट घाट का पानी पीने के बाद, नमकीन पानी, खारा पानी, करते करते फाइनली हम पहुंचे हरे कृष्णा की नदी में, मीठा मीठा पानी था, और आज भी हम उसी नदी में नहा रहे हैं। ग्रेट, और आप और को इन्वाइट करें, आइए आइए अभी आइए हरे कृष्णा। ग्रेट प्रभु जी, प्रभु जी आप जब मॉनेस्ट्री में गए फर्स्ट टाइम, और आपकी एक्सपीरियंस कैसी थी, क्योंकि आप मटेरियल वर्ल्ड में भी आपने लाइफ जी है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अभी आप हो,
तो जो स्टार्टिंग का जो मॉनेस्ट्री का लाइफ था वो कैसा था? इट वॉज वेरी सूदिंग बिकॉज मैंने कॉर्पोरेट लाइफ देखी हुई है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ लोगों में ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, इनसिक्योरिटीज भी हैं, पॉलिटिक्स भी है. बाहर से दे आर वेल ड्रेस्ड बट इनसाइड दे आर सो मच स्ट्रेस्ड. सो दैट्स द फॉर्मेट ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ. और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, लोगों को देखा, मैंने ऑब्जर्व किया. सो कमिंग टू मोनेस्ट्री वॉज वेरी रिलीविंग. यहाँ पर लाइफ बहुत सिंपल है एक्चुअली. ज़मीन पर सोना है और आपका बैंक अकाउंट भी नहीं है, ना आपके पास गाड़ी है, ना बंगला है, एंड यू आर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ, स्ट्रेसलेस लाइफ, नो स्ट्रेस एट ऑल. हाँ, नो डाउट हम मेहनत करते हैं, वी हैव टारगेट्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भगवान की के संदेश को पहुँचा सकें. सो वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट रियली स्ट्रेस, तनाव नहीं लेते, लेकिन हाँ द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सो दैट्स व्हाई इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस जॉइनिंग मोनेस्ट्री. तो सर मोनेस्ट्री में जब आप ज्वाइन हुए तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे? क्योंकि हमारे इंस्पिरेशन तो आप है, तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे? तो जिस तरह से आपको मेरे से इंस्पिरेशन मिली, उस तरह से मेरे को भी कहीं सेंटली डिवोटी से इंस्पिरेशन मिली. इस्कॉन के अंदर ही हुआ लिविंग वेरी प्योर लाइफ फ्रॉम डिकेड्स, वेरी लर्नड, वेरी स्कॉलरली, वेरी रियलाइज्ड, वेरी कंपैशनेट, वेरी कनेक्टिंग. तो हमने कहा यार ये हैं असली लोग. तो मैंने नकली दुनिया भी देख ली, असली दुनिया भी देख ली, तो मैंने डालडा भी देख लिया, घी भी देख लिया. मैंने कहा खाए ना तो फिर घी खाएंगे यार, डालडे में नहीं पड़ेंगे भाई. तो कॉर्पोरेट लाइफ आज डालडा, और जो भक्तों की जो दुनिया थी, स्पेशली देवर मैनी सिंसियर मंक्स प्रैक्टिसिंग भक्तस, देवर लाइक प्योर घी. वाह यार, वी गो आई वाई वुड गो फॉर घी वन डे. सो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दैट्स वाई वर्क आउटसाइड फॉर फ्यू ईयर्स एंड देन देर आफ्टर. बट मेरी एम्बिशन तो यही थी, मैंने कहा नहीं घी वालों के साथ ही रहना यार, डालडो वालों के साथ कुछ समय रहूँगा बिकॉज आई गॉट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम. सो दिस हाउ. प्रभु जी, मटीरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिफरेंस क्या है? जो मटीरियल लाइफ है वो बहुत ड्राई है, और जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो बहुत ही जूसी है. जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है वो बहुत सेल्फिश है, और जो स्पिरिचुअल लाइफ है बहुत ही सेल्फलेस है. जो मटीरियल लाइफ है इज ओनली इन टू मैटर, और जो स्पिरिचुअल लाइफ है इज ऑल अबाउट स्पिरिट एंड सुप्रीम स्पिरिट. जो मटीरियल लाइफ है इट्स ऑल टेम्परेरी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सुख भी टेम्परेरी, दुख भी टेम्परेरी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी. और स्पिरिचुअल लाइफ में द ब्लिस इज परमानेंट. सो दैट इज दोनों का अगर स्वाद को चखेगा, सो पर्सन वुड डिसाइड कि स्पिरिचुअल लाइफ इज द बेस्ट. बट और ये बुढ़ापे वाली चीज़ नहीं है, इसको अभी प्रैक्टिस करने का. एग्जैक्टली, आप बहुत लोग बुढ़ापे का ही सोच के रखते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ हम बुढ़ापे में यूज करते हैं. अभी भाई जवान है तो फिर अब तो एंजॉय कर लो, बट स्पिरिचुअल लाइफ तो बुढ़ापे में ही. ये एक्चुअली रॉन्ग है प्रभु जी. एब्सोल्युटली, आज देखो जो लोग ये सोचे बैठे बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करेंगे, आज क्या बूढ़े लोग भक्ति कर रहे हैं? आप एक खुद एक घूमर करके आओ, कुछ नहीं कर पाते, थोड़ा मलहम लगा रहे होते हैं, घुटनों में दर्द है जी, आए या फिर संतरे खा रहे होते हैं धूप में बैठ करके, थोड़ा एक आध बीच में कोई साधना जागरण चैनल वगैरह को देख लेते हैं, और जिसमें कुछ समझ में उनको आता नहीं है, या एट द मैक्स इसी प्रवचन में बैठ गए जिसमें सब ऊपर से निकल गया, ओवर ट्रांसमिशन हो गई, बस थोड़ा फैमिली पॉलिटिक्स, थोड़ा घर की पॉलिटिक्स और थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स ये कर करा करके. तो दैट इज बूढ़ा व्यक्ति जो है शुरुआत करने का समय नहीं है. ओल्ड एज इज टू रिलिश स्पिरिचुअलिटी, जो कि आपने जवानी से आप कंटिन्यू करते आ रहे हो, बट ओल्ड एज में शुरुआत नहीं होती. ऐसे कहा होता है ना, वी कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. बूढ़े कुत्ते को आप नई कुछ ट्रिक्स नहीं सिखा सकते हो, वो तो ढल गया जी, आप वो सीखेगा भी नहीं. एग्जैक्टली, नहीं सीख पाते. और एक ईगो भी आती है, उसको बोलते हैं वाइट हेयर फॉल्स ईगो. वाइट हेयर फॉल्स ईगो मतलब है, अरे हमें क्या बताएं कल के छोरे, क्या हमने बाल क्या धूप में सफेद किए हैं हमने, कह रहा छोरे, दैट्स ईगो एक्चुअली. तो उसको बोलते हैं वाइट हेयर फॉल्स ईगो. तो बुढ़ापे में आकर के सीखने का एप्टीट्यूड भी कम हो जाता है, बुद्धि भी कमजोर हो जाती है, आदतें पक्की हो चुकी होती हैं, तो मोटा मोटा केस होपलेस हो जाता है. सो ऑफकोर्स स्टिल समबडी कैन ट्राई, तो कुछ ना कुछ तो इनिंग्स खेली रहेगा बेचारा, लेकिन बेस्ट इज यंग एज. यंग एज, जैसे अगर आप मेरे घर पर आओ और मैं आपको 15 साल पुराने फंगस लगे लड्डू खिलाऊँ, तो आप हो गए प्रभु जी, मतलब ठीक है यार, आप अगर आप नहीं चाहते आपके यहाँ नहीं आए तो ठीक है नहीं आएंगे, लेकिन ये फंगस वाले लड्डू खिला रहे आप, बट अगर आपको फ्रेश लड्डू खिलाऊँ आपको अच्छा लगेगा भाई. इस तरह से हम भी जो फ्रेश हैं, वी शुड ऑफर आंसर्स टू गॉड, नॉट कि हमें तो फंगस लगे हो गए हैं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तो मैं अरे प्रभु हम आ गए तेरे दरबार में, अरे भाऊ जी, एंड यू आर यंग, देन यू शुड ऑफर आंसर्स टू गॉड, दैट्स द बेस्ट टाइम एक्चुअली. ओके प्रभु जी, मटेरियल लाइफ में लोग ज़्यादा ही कुछ एकदम आसक्ति में रहते हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ में तो देखते भी नहीं. अगर ऐसे बोलते प्रवचन, चलो बैठते, मैं भी कभी कभी प्रवचन देता हूँ मेरे वहाँ पे भगवद गीता की. वाओ, थैंक यू, आपके आपसे ही सीखा है. बट जब भी मैं मेरे मित्रों को भी बोला था तो वो लोग बोलते अरे हट यार, क्या यार प्रवचन प्रवचन दे रहे हैं, चल हमारे साथ चलते, बार बार में चलते, मज़ा करते. तो अटैचमेंट यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा ही हो रहा है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इतना नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, हो रहा है बट इतना नहीं हो रहा है.
एक्चुअली ना आप देखोगे जिस चीज की और किसी को रुझान कराना होता है उसमें ना रोल मॉडल्स ही होते हैं. मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए इतने रोल मॉडल्स हैं, बॉलीवुड भरा पड़ा है इसमें. ये हीरो वो हीरोइन, जो लड़कियां हैं उनके कमरों में जॉन अब्राहम के पोस्टर्स हैं, रणबीर कपूर के पोस्टर्स हैं, वाओ ही सो हंकी माय गॉड. और लड़के हैं उनके कमरों में कैटरीना कैफ के पोस्टर्स हैं, उनके में केट विंसलेट के पोस्टर्स हैं. सो दे ऑल्सो हैव, तो बेसिकली रोल मॉडल्स जहाँ होते हैं तो लोग पूरी दुनिया रोल मॉडल्स ही भेज सकती है. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में रोल मॉडल्स नहीं है लोगों के पास, मीडिया नहीं दिखाया है. साधु तो पाखंडी होता है, अच्छे साधु होते ही नहीं है. तो क्योंकि अच्छे रोल मॉडल्स नहीं है तो इसलिए उनको परस्यू करने वाले नहीं है. जैसे आज गौर गोपाल प्रभु का नाम ने सुना होगा. सो एक स्पिरिचुअल मॉडल्स हमने लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा हाँ यार साधु भी अच्छा हो सकता है, समझदार हो सकता है वो. सो व्हेन देयर आर गुड रोल मॉडल्स टू फॉलो, पीपल फॉलो देम. तो इसीलिए हम देखते हैं लोग अक्सर मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, बिकॉज दे आर असक्त होते हैं, बिकॉज दे आर सो मेनी रोल मॉडल्स टू से वेल जस्ट सी वी आर सो कूल मैन कम ऑन जॉइन मी. सो नाउ इन स्पिरिचुअलिटी व्हेन वी हैव द स्पिरिचुअल रोल मॉडल्स देन पीपल कैन जॉइन देम एज वेल. प्रभु जी मटेरियल वर्ल्ड से अगर डिटैचमेंट चाहिए तो कैसे कैसे हो सकता है डिटैचमेंट? जैसे कि अगर पानी का एक ग्लास है आपको बहुत प्यास लगी है, ठीक है, मैं कहूँ छोड़ दो उसको, आपको नहीं मैं नहीं छोड़ पाऊंगा बहुत प्यास लगी है, छोड़ दे नहीं छोड़ दे नहीं, अच्छा मैं यहाँ मैंगो शेक रख दो, अरे अभी छोड़ेंगे सर आप रखिए इसको वहाँ, तो मैंगो शेक. सो व्हेन वी हैव द हायर टेस्ट यू कैन ऑटोमेटिकली गिव अप द लोअर टेस्ट, राइट? सो दैट मींस डिटैचमेंट कैसे आती है? अटैचमेंट से. व्हेन वी आर अटैच टू द लॉर्ड सो देयर इज नेचुरल डिटैचमेंट फ्रॉम द rest of the world. When I say detachment, it does not mean we become careless towards it. But no, usse hamari ko expectation nahi rehti. Wo hai, thank you very much, nahi hai, theek hai, I take a chill pill, man. I got something higher. So that is higher taste leads to detachment from the lower taste. Prabhu ji, spirituality ki agar baat kare, to meditation ek aisi baat hai jo aati hai spirituality mein. Yeah. Aur to aap meditation karte hai? Yes. Daily. Every day. कौन सी टाइप की मेडिटेशन? आई गेस बहुत सारी टाइप्स की मेडिटेशन होती है. यस, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेडिटेशन. एक तो मेडिटेशन है साइलेंट मेडिटेशन, चुप रहो, ठीक है. इससे थोड़ी बढ़िया क्वालिटी की मेडिटेशन है ब्रीदिंग मेडिटेशन, वेर यू मेडिटेट ऑन द ब्रीदिंग, द एयर व्हिच यू इनटेक एंड देन व्हिच गोज आउट. सो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, एंड यू जस्ट फोकस ऑन द एयर. दैट इज काइंड ऑफ प्राणायाम दैट मेक्स यू वेरी सात्विक. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड काइंड ऑफ मेडिटेशन. बट द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है इज ऑन मेडिटेशन ऑन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. ये सबसे ज्यादा ऊंची मेडिटेशन, सो मंत्र मेडिटेशन. सो इसीलिए ये सबसे ऊंची मेडिटेशन. सो वी फोकस ऑन दिस मेडिटेशन, रेकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर्स. अदर मेडिटेशंस आर गुड बट नॉट रियली द बेस्ट. बेस्ट इज टू चैंट द होली नेम्स ऑफ गॉड. प्रभु जी मैं जब स्टार्टिंग ऑफ द स्पिरिचुअलिटी थी तब मैं जैसे 16 माला करता था तो मेरी फोकस नहीं रहती थी प्रभु के नाम पे. हाँ, अगर आग बंद करके बैठूंगी तो भी फिर आग खुल जाती है थोड़ी टाइम में, बट फोकस नहीं रहती थी. अभी फिलहाल है वो, जब कंसिस्टेंसी बढ़ गई तब, बट पहले नहीं बढ़ती थी. तो मेडिटेशन हो या फिर कोई भी पार्ट ऑफ लाइफ हो, फोकस कैसे बढ़ाएं? देखो फोकस के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो एसोसिएशन. इफ यू हैव डिस्ट्रैक्टेड एसोसिएशन यू वुड बी नेचुरली डिस्ट्रैक्टेड. और आपको ऐसे दोस्त मिल जाए ना भाई, क्या यार छोड़ा यार भाई मस्ती करते हैं यार, अरे आ जा बेटू. नहीं मैं तो कब तक दूध पिएगा यार, कभी तो यार वोडका ही पीना होता है यार, कौन यार, अरे देख अरे चलते ना डांडिया में चलते हैं, लड़कियाँ होंगी, आ जा दिन ना दिन था. तो अगर आपकी ऐसे ऐसे एसोसिएशन है, बोले यार वाकई में बात तो सही बोल रहे हैं यार बेडू, तो एसोसिएशन से इच्छाएं आती हैं बेसिकली. तो इफ यू विल हैव एसोसिएशन ऑफ पीपल हु आर फोकस्ड इन अ गुड वे ऑन गुड थिंग्स, यू विल ऑल्सो हैव फोकस्ड इन अ गुड वे ऑन गुड थिंग्स. इफ यू एसोसिएट विद डिस्ट्रैक्टेड पीपल यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड. सेकंडली डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो कम्स बाय द काइंड ऑफ एटमोसफियर यू हैव. जैसे अगर आप घर में हो, यहाँ झूठा समोसा पड़ा है, यहाँ किसी की बनियान पड़ी है, यहाँ किसी की सॉक्स पड़ी है, तो यार यहाँ मैं कैसे How can I focus? We are such a dirty place. When this place is very clean, so it is better to focus. Also, the time to focus. Early morning hours are best for focus. So, you should get up early in the morning. So, at that time, you should focus actually. You must study. You may also chant Hare Krishna. So, early morning hours, jitne aap nikaloge apni life mein, that's best. And you will see that's why all successful people are early risers. Exactly. Narendra Modi ji, he gets up at 3 a.m. 12 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, 3 से लेकर 5 बजे तक ही वुड डू योगा एंड ऑल दैट. 5 से लेकर 6 बजे तक भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद फिर 6 बजे देन ही इज इन ऑफिस, दैट्स इट. सो अर्ली राइजर, अक्षय कुमार अर्ली राइजर, फिल्म स्टार हो, अभिनेता हो, नेता हो, सक्सेसफुल पीपल मींस दे आर अर्ली राइजर्स, बिकॉज मॉर्निंग टाइम इज अ टाइम ऑफ फोकस. सो इफ यू हैव द राइट टाइम, राइट काइंड ऑफ टाइम, राइट काइंड ऑफ प्लेस एंड राइट काइंड ऑफ एसोसिएशन, यू कैन हैव द फोकस एंड यू रिमूव ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स. In case it distracts you, you may Netflix hai, Amazon Prime Videos hai, YouTube hai, Twitter hai, you feel distracted, maintain distance. सबसे बड़ा distraction आजकल phone की है. There was one survey which mentioned that, जहाँ पूछा गया youngster से कि अगर आप कुछ नहीं करें तो आप पहली चीज क्या करेंगे,
78% लोगों ने कहा हम स्मार्टफोन उठाएंगे. ओह माय गॉड 78%. मैं 22% ने कहा हम सोचा वॉक पे चले जाएं, हम शायद को किताब खोल लें. पर अब जो है फेस के आगे बुक नहीं खुलती क्योंकि फेसबुक आगे लाइफ है तो भाई, तो अब कहाँ फेसबुक. तो सो दैट इज पीपल टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो इसीलिए फिर ऐसी चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें विच मेक्स मी गेट डिस्ट्रैक्टेड. कैन बी माई गर्लफ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड, कैन बी स्मार्टफोन, कैन बी टेलीविजन, एनीथिंग. सो वी हैव टू मेंटेन डिस्टेंस. प्रभु जी भागवत गीता जब हम पढ़ते हैं तब एक कॉन्सेप्ट उठ के आता है, वो है मोक्ष का. सो ये मोक्ष एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या? मोक्ष एक्चुअली बहुत सिंपल ले मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो दुनिया की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनसे मुक्ति होना, बेसिकली बिकमिंग फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. जब मृत्यु का चक्कर चल रहा है उसके अंदर कई सारी दिक्कतें हैं, उसमें संघर्ष है, बड़ा होना है, यू नो अगेन एवरी टाइम वी कम आउट ऑफ द बूम ऑफ द मदर एंड देन हम चलना सीखते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, उसमें यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफली एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज आता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, दिस सेमेस्टर यूनिट टेस्ट, इंटरनल एग्जाम, सेक्शनल एग्जाम्स, नौकरी है, नौकरी बाकी छोकरी है, सब ढूंढो, नहीं मिल रही है, वो शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी हो गई, हो अपना नौकरी मिल जाएगा, प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन हो, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, अरे यार मेरा ऑफिस अरे क्या सपा है यार, कैसी जिंदगी यार, ढंग की जॉब नहीं है यार, कितनी मोनोटोनस है यार, सेम काम है यार, सो बोरिंग मैन, आई लेट मी चेंज माय जॉब, दूसरी जॉब चेंज, चेंज की वहाँ चेंज करने वाला बॉस है वो मेरे स्क्रू के जा रहा है, अबे तेरी तो ओ यार मर गया यार, ओ माय गॉड, मुझे सब ये निकालो प्लीज, सबसे प्लीज 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 प्लीज. दैट्स मोक्ष के बाद सबसे फ्री हो गए. पर मोक्ष शुड नॉट बी द गोल ऑफ लाइफ. द गोल ऑफ लाइफ शुड बी टू लव गॉड. मोक्ष उसके साथ पॉकेट मिल जाता है. जैसे प्लाज्मा टीवी खरीदिए, डीवीडी प्लेयर फ्री फायर, तो सेकेंडरी चीज है मोक्ष. एग्जैक्टली. तो कोई डीवीडी प्लेयर खरीदेगा? हां, मतलब प्लाज्मा टीवी खरीदेगा, सिंपल है. तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करके मोक्ष वैसे पॉकेट मिल जाता है. तो इससे मोक्ष इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. द गोल ऑफ लाइफ इज टू लव द लॉर्ड. प्रभु जी मैंने जब श्रीला प्रभुपाद की जब बुक पढ़ी थी तो वहाँ पे एक बात लिखी थी कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो भी अगले जन्म में हमें वो अच्छे काम का भोग मिलता है, और अगर हम बुरा काम करते हैं तो फिर अगले जन्म में मिलता ही मिलता है. Yes. तो जो कर्मों का जो कर्म है तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपको जन्म तो मिलेगा, बट न्यूट्रल रहना है, जो जीरो रहना है, तो उसके लिए भगवदगीता में आई गेस निष्काम कर्म योग करते हैं. तो वो जीरो नहीं, तो बेसिकली यू डू एक्टिविटी बट विद नो एक्सपेक्टेशंस एंड यू ऑफर द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस टू कृष्णा. फॉर एग्जाम्पल आपका अगर सैलरी है सो यू ऑफर सम पार्ट ऑफ इट, मान लो आपने 10% डिसाइड किया, इट्स अ गुड बिगनिंग. ओके आई अर्न 50,000, 5,000 आई ऑफर टू गॉड, 40,000 आई कीप फॉर माई मेंटेनेंस. ग्रेजुअली एज यू बिकम मोर एडवांस यू स्टार्ट गिविंग मोर, राइट. सो इस तरह से हमें देना सीखना चाहिए. देते हैं तो उससे हमें सुख मिलता है. देने का सुख जो है ना पाने का सुख से ज़्यादा है, भोग के सुख से ज़्यादा त्यागने का सुख है. आप अच्छा खा लो लेकिन आप निकालना पाओ, और फिर आप जवान घोटा लैक्सीडेंस कर रहे कहते हैं भाई साफ नहीं हो रहा भाई, अरे भाई वो दिक्कत कहते हैं क्यों, और कि somehow other you got cleansed, और आपसे कोई पूछेगा अच्छा ये बताते भोग में मजा आया त्याग में, भैया त्याग में अच्छा था. सो दैट इज इट्स अ वेरी ग्रॉस एग्जाम्पल बट लेकिन बात समझने की समटाइम्स यू हैव टू गिव अप दैट विच इज नैस्टी एज वेल, राइट. सो अल्टीमेटली द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम अटैच टू गॉड. नो डाउट वी शुड डू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी नाइसली, एट द सेम टाइम द गोल इज टू बी इन लव विद गॉड. प्रभु जी आजकल के ज़माने में रिलेशनशिप जो होते हैं तो मोस्ट ऑफ लस्ट में होते हैं, प्यार में कम होता है, प्रेम रियल प्योर प्रेम बहुत कम होता है, लस्ट ज़्यादा होता है. तो आपके लिए वो क्या है, व्यू कैसा है आपका? ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू. होता क्या है कि ना प्यार में प्रेम में और वासना में लोग भेद नहीं कर पाते क्योंकि बाहर से एक जैसे दिखते हैं. इसीलिए जैसे गन्ने के खेत और बांस के खेत बाहर से एक जैसे दिखते हैं तो वो सोचे अरे गन्ने के खेत मिल जाते हैं यार, गन्ना खाते वो बांस के खेत में घुस गया, वो जैसे दांत लगाया उसने अरे भैया दांत टूट गए हमारे, पीका है भैया, कहते अरे भैया तो बांस के खेत हैं, अरे हमको लगा भैया तो गन्ने के खेत होंगे. अरे तो लोग चाहते हैं प्रेम लेकिन घुस जाते हैं वो लस्ट के उसमें. तो लस्ट है बेसिकली उसमें स्वार्थ होता है, देयर इज वेस्टेड इंटरेस्ट. जब तो पूरा हो रहा होता है प्यार मोहब्बत चलते रहते हैं, शेर व शायरी चलती है, मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, लव यू डार्लिंग होता है, द रोज़ इज रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू, सब चलता है. पर जब वही लव फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सो कॉल लव, सो रोजेज आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू, सो पोएम चेंज हो जाती है. सो दैट केस दैट्स द नेचर ऑफ लस्ट इन दिस वर्ल्ड. पीपल आर कंसर्न अबाउट दैट. लड़के किन लड़कियों पसंद करते हैं? इनकी पैकेजिंग अच्छी होती है, चिकनी यार है, क्या सोनी कुड़ी है यार. और लड़के कौन से पसंद आते हैं? मुंडा तो सोना यार, भोला भाला क्यूटी पाई है, ओहो सिक्स पैक हो तो अरे सोने पे सुहागा, और उसे जेब में रोकड़ा, ओ यार नथिंग लाइक इट. सो अल्टीमेटली सब अपने का ही सोचते हैं, सामने वाला कौन सोचता है. सो इसीलिए इस दुनिया में स्वार्थ तो है, दैट्स द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. तो इसीलिए यहाँ लव मिलने वाले का है नहीं उसे. कई लोग हैं जिनको इस बात से डिसग्री करते हैं, नहीं नहीं इनको नहीं पता, ये हम ब्रह्मचारी हैं, इनको नहीं पता सच्चा प्यार भी होता है.
तो ऐसे लोगों में सजेस्ट करता हूँ, प्लीज गेट इन अफेयर विद समवन, आपकी गलत फहमी बहुत जल्दी दूर होगी इंशाल्लाह। तो हमको बता देते हैं कि बेटा जो मैं बता रहा हूँ बेटे, ये रियलाइज स्टेटमेंट है, इट्स अ रियलाइज स्टेटमेंट, सो दैट्स द नेचर ऑफ इट। बट यस, मोर ब्रिंग कृष्णा एज अ सेंटर ऑफ एनी रिलेशनशिप, इन केस आई लाइक अ गर्ल और द गर्ल लाइक्स अ बॉय, दे शुड गेट मैरिड एंड लिव गृहस्थ लाइफ इन अ वेरी रिलीजियस वे, देन दे कैन एक्सपीरियंस दैट यस दे विल हैव जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, बिकॉज आई विल सी माय वाइफ एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो मैं कभी उसको चिल्लाऊंगा नहीं गंगा दी कहीं की तरह अकल है नहीं ढंग से खाना बनाया करता है आ गई है बड़ी, कभी नहीं बोलूंगा इस तरह। आई विल नॉट स्पीक हार्श वर्ड्स बिकॉज आई सी माई वाइफ एज डिवोटी ऑफ कृष्णा, वाइफ विल नॉट स्पीक हार्श वर्ड्स टू द हस्बैंड बिकॉज शी सीज के ना मेरा हस्बैंड बाद में है, बट ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, वेल आई कैन नॉट स्पीक हार्शली टू माई हस्बैंड, सो दैट इज हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है उसमें रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज वी ब्रिंग कृष्णा। और आई गेस फिर वो बॉडी के हिसाब से फिर नहीं देखते, सोल के हिसाब से देखते हैं। Yes, I guess वो बहुत बड़ी yeah soul के लेवल पे देखना, that's the most important thing. And then husband wife they can be very good friend to each other. That's fine. That's perfectly okay. प्रभु जी श्रीमद् भागवत गीता में एक चीज लिखी है कि सुख और दुख को एक समान समझो, सम समझो, तो actually सुख अच्छी बात है या फिर peace अच्छी बात है, शांति, शांति और सुख दोनों में से एक कौन सा? Okay, बिना शांति के सुख का अनुभव होता नहीं है, भगवान गीता में बता रहे हैं बिना शांति के सुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन सुख और दुख को एक जगह समझो, भगवान बेसिकली कह रहे हैं कि सुख और दुख में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ। तो सुख तो सुख है, दुख तो दुख है, लेकिन दोनों का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन दोनों ही परिस्थिति के अंदर ना हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं छोड़नी चाहिए। लाइक श्री प्रभुपाद जी भगवद गीता के कॉमेंट्री में ही गिव्स वेरी गुड एग्जाम्पल, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो, लेडीज जो है किचन में जाना नहीं छोड़ती। हाँ, सर्दियां भले ही देखो किचन में जाना चलता है, बिकॉज सर्दी का मौसम है, किचन गर्मा गर्म होता है, वहाँ तो जाना चलता है, लेकिन गर्मी के मौसम में अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाहर भी गर्मी है और भट्टी बन गया होता है किचन। Even then she is doing her duty. So basically she is transcending the duality of गर्मी and सर्दी। तो हमें अपनी जो हमारी जो duties हैं वो निभाते रहना हर परिस्थिति में, चाहे सुख में, चाहे दुख में, चाहे प्रॉफिट में, चाहे लॉस में, चाहे यश में, अपयश में, चाहे गर्मी में या सर्दी में, उतार में या चढ़ाव में, that is what the message of Lord Krishna is. प्रभु जी आजकल के जमाने में बहुत कॉमन है ये, ब्रेकअप हो जाता है रिलेशनशिप में। यस, तो अगर किसी का न्यूली ब्रेकअप होता है और बहुत रोते रोते रोते, उनके लिए क्या आप बोलना चाहोगे? देखो अगर तो ब्रेकअप हुआ है, वैसे तो मैचअप ब्रेकअप तो ये होता रहता है, हमने फिर उसको मैच कर लिया, उसको फिर ब्रेकअप हो गया, तो ये डुअलिटी लगी रहती है। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो ये कि अगर ब्रेकअप अगर हो गया है तो लड़की को जा करके, लड़के को लड़की को जा करके धन्यवाद कहना चाहिए, या तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, थैंक यू सो मच, तुमने सस्ते में लुटा दिया मेरे को, बाद में जाकर थोड़ा होता शादी के बाद तो फिर तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तुमने बहुत जल्दी मेरे को ये अकल दे दी, सो मच बहन, तो लड़की उसको भाई जी बोलने के थे तुम बहुत गधे आदमी थे, पर मैं बाद में समझ पाई, बट दैट्स ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी रियलाइज, नाउ आई कैन फोकस मोर ऑन स्पिरिचुअलिटी। सो अगर ऐसा होता है वी कैन से थैंक्स टू दैट पर्सन एंड देन मूव ऑन। अब उसको ले करके शेर व शायरी करना, सैड सॉन्ग सुनना, जो सब व्यर्थ है, हाँ व्यर्थ है, तो गाने सुनना, जब मैंने सैड सॉन्ग सुने बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, तो मैं किसके सॉन्ग सुनूँ, कहते वो मजनू वाली एक मूवी थी जिसके अंदर लड़की छोड़ के चली गई, फिर वो ऐसे मजनू वाले गाने गा रहा था वो, तो मैं वो सॉन्ग सुनता हूँ, मैं बढ़िया रहे, तो दैट्स रिडिकुलस, आई हैव सीन सच बॉयज, पढ़े लिखे हैं और ऐसे मजनूगिरी कर रहे होते हैं। आपके पास कोई आते हैं ये प्रॉब्लम्स लेके? अरे क्यों नहीं आते, 15-16 फरवरी को बहुत आते, ऐसे 14 फरवरी को कर चुके होते सारे लेफ्ट राइट काम, उसके बाद सारा पोल पट्टी खुली जाती है, सारे रिश्ते की गहराई कितनी है, तो आते हैं 15 को 16 को 14 फरवरी के बाद, तो 15-16-17 फरवरी को ऐसे कहीं टूटे हुए दिल वाले आते हैं और पूछते हैं, प्रभु जी एक बात बताइए, हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता? सो सैड। हरे कृष्ण। प्रभु जी भगवद गीता में तीन अध्याय, तीन ये कॉन्सेप्ट है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। एक्चुअली तीनों में से इम्पोर्टेंट कौन सी? सबसे इम्पोर्टेंट भक्ति ही है। एक्चुअली क्या ये तीनों लैडर है, ऐसे नहीं ये तीन रस्ते हैं अलग अलग भगवान तक पहुंचने की, कर्म भी रास्ता है, ज्ञान भी रास्ता है, भक्ति भी रास्ता है, ये तीन रस्ते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये एक ही रास्ता है। इसमें पहली सीढ़ी है कर्म, जहाँ हम कर्म करते हैं लेकिन फल भगवान को अर्पित करते हैं, राइट। वो फिर उसका नेक्स्ट लेवल हुआ ज्ञान, जिसमें कि व्यक्ति भगवान के बारे में जानना चाहता है, नाउ ही रीड्स स्क्रिप्चर्स, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड गॉड, सो नाउ इज ऑन ज्ञान लेवल, व्हेन ही स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग दैट ज्ञान, दैट इज नोन एज भक्ति। सो नॉलेज इन एक्शन इज नोन एज भक्ति, सो भक्ति इज अ टॉप मोस्ट ladder in the series। वो जब मैं भी वही मैं एक्सपीरियंस किया कि नॉलेज में जैसे लेते जा रहा था वैसे ही मेरी प्रेम भगवान कृष्ण के लिए बहुत बढ़ती जा रही थी। तो वही है, तो व्हेन वी एग्जीक्यूट नॉलेज दैट इज नोन एज भक्ति। तो ये सीढ़ी का पहला पाया है कर्मयोग, फिर है ज्ञान योग, फिर एंड देन अल्टीमेटली भक्ति योग।
प्रभु जी कर्म करो फल की चिंता मत करो बहुत फेमस है और श्रीमद् भगवद गीता से है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी या तो रिलेशनशिप फैमिली वर्ल्ड कोई भी वर्ल्ड, वो कैसे यूज होता है कर्म करो फल की चिंता मत करो? ऐसे होता है कर्म करो फल की इच्छा जो भगवान कह रहे हैं कि मत करो, वो उसके पीछे लॉजिकल रीजन है एक्चुअली ना. आप देखो फल की चिंता करते करते ना वी वेस्ट सो मच ऑफ टाइम. मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा हो जाऊंगा, अगर हो जाऊंगा तो क्या होगा, नहीं अगर नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे. इस बारे में सोच सोच के ना व्यक्ति अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करता है, तो इसीलिए एक्चुअली रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए. रिजल्ट देखो हमारे हाथ में है भी नहीं एक्चुअली. हमने देखा कई बार बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से पेपर दिया, अब चेक करने वाला था बीवी से झगड़ कर आया था, उसने कट्टे पट्टे मार दिया, समझती क्या आपको टक 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 उससे यहाँ निकाल दिया. लो जी अभी हमारे हाथ में है, नहीं हमारे हाथ में नहीं है जी, आपका पेपर था लेकिन वो घूम गया, फिर रीचेकिंग के लिए दिया, कहते नहीं पेपर तो दिया ही नहीं, आपने कहता मैंने दिया है जी. तो आउटकम हमारे हाथ में नहीं होता है, तो इसलिए आउटकम का हमें सोचना नहीं चाहिए. वी शुड जस्ट फोकस ऑन आवर ड्यूटी, फिर आउटकम जो भी आना हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए. अरे भाई हमने तो अपना बेस्ट किया ना, बस दैट्स इट. अब रिजल्ट चाहे कुछ भी आए फिर देन जस्ट लीव इट ऑन कृष्णा. एग्जैक्टली, तो वही कहना चाहिए. बाकी जो फल है अल्टीमेटली भगवान को ऑफर करेंगे, एंड इट डज नॉट मीन दैट वी विल नाउ लूज मोटिवेशन टू डू वर्क. यार जब जब रिजल्ट पर फोकस नहीं करना तो काय को काम करना भाई, काय को काम करना बस भगवान की खुशी के लिए काम करना. अर्जुन वॉज फाइटिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा एंड ही वॉज फाइटिंग सो ब्रिलियंटली. एग्जैक्टली. प्रभु जी आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो टॉप 5 रिकमेंडेशन बुक्स की अगर हमारे व्यूअर्स को दे पाओ, आप बेस्ट टॉप 5 बुक्स जो लोगों को पढ़नी चाहिए. ओके टॉप 5 बुक्स, ऑफकोर्स बिकॉज आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक्स, सो मैं रिकमेंड करूँगा श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम एंड श्री चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड श्रील प्रभुपाद लीलामृत, which is the life story of Srila Prabhupada. Anybody who reads that would never be become into never get into depression, because so much of struggle he faced to give Krishna to the world. So after going through that you will feel ki mera kuch nahi hai life ka struggle yaar, just see what he has faced. So Srila Prabhupada Leelamrita is a fifth Srila Prabhupada matlab mere liye to bahut bada inspiration hai kyunki unki life story waisi hai bahut zyada. So these are 4 books, Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Shri Chaitanya Charitamrit, Bhakti Rasamrita Sindhu or Nectar of Devotion in English, and fifth one is Prabhupada Leelamrit. Prabhu ji, aaj kal hum dekhte hain ki logo ko kabhi bhi kuch bhi loss hota hai unka, to ha bhai bhagwan ki wajah se hua hai, hum bhagwan ko aaj ke baad poojenge nahi, hum kuch nahi karenge, ye sab loss unki wajah se hua hai, humne to kuch nahi kiya, to ye kya hai actually? Yeah, basically aise log kam samajhdar hote hain, aur jab life mein kuch acha hota hai to bhagwan ko bhi thank you nahi bolenge. जैसे एक बार व्यक्ति था मैं मिला था उससे, उसने कहा मैं बहुत गुस्सा हूँ भगवान से. क्यों गुस्सा हूँ? कहते मैंने भैया मैंने जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था जी, मेरे मेडिकल में क्या भगवान ने कराया नहीं, मेरे इंजीनियरिंग में करा दिया, तो फाइनली आई गॉट इनटू अ प्रोफेशन विच आई नेवर लाइक्ड इट, यू नो मैं तो MBBS डॉक्टर बनना चाहता था. मैंने कहा अच्छा, इस बात से शिकायत है आपको? कहते हैं यस. मैंने कहा अच्छा आपकी हेल्थ कैसी है? कहते मैं यहाँ तगड़ा हूँ एकदम. मैंने कहा इसके लिए कभी थैंक यू बोला? मैंने कहा आपके पेरेंट्स कैसे हैं? यहाँ दे आर नाइस. मैंने इसके लिए कभी थैंक यू बोला? मैंने कहा अच्छा हाउ इज लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंसिस, आपके घर में आर्थिक स्थिति कैसी है? माय फादर इज करोड़पति. इसके लिए थैंक यू बोला? लाइफ में अच्छी चीज़ों के लिए थैंक यू तो हम बोलते नहीं. एकाध जो चीज़ लेफ्ट राइट हो रखी है हमारे कर्मों की वजह से है, उसके लिए भगवान पे चढ़ जाते हैं, भगवान तेरी वजह से हुआ है सर. बाकी और भी बहुत कुछ हुआ है भगवान की वजह से, उसके लिए कभी थैंक यू निकला क्या? तो थैंक यू निकलेगा नहीं, नेगेटिविटी निकलेगी. दैट वे सच बड़ा इलॉजिकल है. आई गेस वहाँ पे पॉजिटिविटी लानी, पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए यार ये मेरे कर्मों के फल है. भाई भगवान तेरी जान निकाले क्या करेंगे? सही है. और वो भी क्या छोटर पुटर दुख भाई, तेरे को तेरा मैं MBBS में नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, मैं तेरा इंजीनियरिंग में कराऊंगा, मैं तेरा MBBS में नहीं होने दूंगा, ऐसे वाहनों क्या मिलेगा भाई? कहते हैं ये तो पता नहीं लेकिन उन्होंने किया है. मैंने कहा भाई फिर भी मतलब वो दिमाग तो होगा ना उस आदमी के अंदर, यहाँ वेला आदमी है, नौकरी है नहीं बेचारे के पास. कहता है मैं क्या करूँ? कहता चल यार ये यहाँ बस गिरा देता हूँ, उसका एडमिशन रोक देता हूँ, उसकी शादी रोक देता हूँ, इससे हो गया. कहता है पता नहीं टन गोपाल बस ऐसे मतलब. तो भगवान इज अ सेम पर्सन, इज नॉट इनसेम. प्रभु जी आपके हिसाब से टॉप 3 टीचिंग्स फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता. भगवद गीता की जो टॉप 3 टीचिंग्स हैं, सो लॉर्ड कृष्णा सेज मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवन नमस्कारु, अपने मन को मेरे में लगाओ, ठीक है जी, और मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, दिस इज द फर्स्ट टीचिंग. एंड देन ही सेज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, दैट यू जस्ट गिव अप ऑल अदर धर्मस संसारी धर्मस एंड यू जस्ट टेक शेल्टर ऑफ मी, एक्सक्लूसिवली टेक शेल्टर ऑफ मी. That's also very important. I guess वो सबसे important है. मैं मानता हूँ सर्वधर्म. And then he says सततम कीर्तयन्तो माम, सतत रूप से मेरा नाम लो. So अभी हमने 16 rounds बोला, कुछ लोग बोलते हैं जी 16 rounds कहाँ लिखा है, 16 rounds हरे कृष्णा करना चाहिए. हमने कहा गीता में लिखा सततम करना है, हम तो फिर 16 माला के लिए बोल रहे हैं भाई.
सो दैट इज सततम कीर्तयन्तु माम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड मन मनाव मत भक्तो, यानी कि अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो. तीसरी प्रभु जी, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो मैं ये क्वेश्चन सब लाया था सबसे पूछ के कि आपके मन में कन्फ्यूजन क्या है. और ये बहुत लोगों ने बोला है कि विष्णु भगवान से कृष्ण भगवान आया या कृष्ण भगवान से विष्णु भगवान आया. कृष्ण से विष्णु आया एक्चुअली. कृष्ण है 64 क्वालिटीज, विष्णु है 60 क्वालिटीज. सो जिसमें 64 है उससे कम क्वालिटी वाला आएगा व्यक्ति, राइट. सो कृष्ण हैज 4 मोर क्वालिटीज जो कि विष्णु में नहीं है. रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य एंड वेणु माधुर्य. सो दीज 4 क्वालिटीज आर नॉट इन विष्णु. ही हैज मोर क्वालिटीज एंड विष्णु. So he is Adi. And of course, scriptures you also mentioned, Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna is Supreme Lord himself. And whenever he comes, all other incarnations, they come to assist him. So that's why he is the Supreme Lord. Prabhuji, ye Tridev bahut zyada famous hai. Tridev ko banane wale kaun hai? Kyunki humko pata hai ki dharti inhone banayi hai, sab kuch inhone banaya. But Tridev ko banane wale kaun hai? Tridev ko banane wale bhagwan Shri Krishna hi hai. Tridev basically kaam karte hain Brahma, Vishnu, Mahesh. Mahesh ka kaam hai destruction, Vishnu ka kaam hai maintenance, Brahma ji ka kaam hai creation. सो क्रिएशन करना आसान है, डिस्ट्रक्शन करना आसान है, मेंटेनेंस करना मुश्किल है. जिम जाना शुरू करना आसान है, जिम जाना छोड़ देना आसान है, जिम जाते रहना बहुत मुश्किल. हाँ, डाइटिंग करना आसान है, डाइटिंग करना छोड़ देना आसान है, डाइटिंग करते रहना मुश्किल. यानी मेंटेनेंस इज टफेस्ट. तो भगवान ने क्रिएशन का डिपार्टमेंट दे दिया ब्रह्मा जी को, डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट दे दिया शिव जी को. सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट अपने पास रखा विष्णु. विष्णु इज ओन एक्सपेंशन. सो ब्रह्मा विष्णु महेश दे आर दी कॉस्मिक ministers of the three important departments of creation, maintenance and destruction. पर इसके अलावा भी life में और भी बहुत कुछ है. There are loving exchanges between God and the devotees, and so that is Krishna keeps that with himself. कहते वो प्रेम वाला काम हम कर लेंगे अपने भक्तों के साथ, बाकी creation, maintenance, destruction वो आप तीनों देख लेना, ठीक है. ब्रह्मा विष्णु महेश, but Vishnu will take care of maintenance, huh? That's the toughest part. So you take care of the toughest part. Yeah, of course. Like, sure. From generator, operator, destroyer. Yes, G-O-D God. Yes, generator, operator, destroyer. Yes. प्रभुजी, इस दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा एनिमी कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा एनिमी मनुष्य खुद है. सबसे ज़्यादा हम ही अपना बेड़ा गर्क करते हैं. सो दैट इज मनुष्य का सबसे बड़ा जो एनिमी है वो खुद होता है बेसिकली. उसको अगर मैं और भगवद्गीता की भाषा बोलूँ, सबसे बड़ा एनिमी जो है दैट इज लस्ट. हमारी जो लस्ट होती है वो व्यक्ति से वो कराती है जो उसको बिल्कुल नहीं कराती है. उसके सारे संबंध खराब होते हैं उससे, उसका करियर भी खराब होता है, उसका फोकस खराब होता है, सारे काम खराब होते हैं जस्ट बिकॉज समबडी इज लस्टी. सो इट रियली डिस्ट्रैक्ट्स द पर्सन. सो माय लस्टी सेल्फ इज माय ग्रेटेस्ट एनिमी. तो ये काम को, ये लस्ट को हराए कैसे? काम को हराएंगे प्रेम से. जैसे आपको बोले अग्नि वैसे हराएंगे जल से. जैसे कभी वॉर हुआ करते पहले कि मैंने अग्नि अस्त्र छोड़ा, सामने वाला वरुण अस्त्र छोड़ेगा जल का अस्त्र. क्या कोई बात नहीं, आपकी आग निकली हमारे से पानी निकलेगा, बुझा देगी सारी आपको पानी जो है. सो लव कैन कॉन्कर लस्ट. प्रभु जी, ये आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है. आई गेस ज्ञान नहीं है इसे, बट आपका व्यूज क्या है? लोग ना सुसाइड कर रहे हैं ये सोच के कि अगर मेरी सुसाइड कर लूंगा मैं प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, सब मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा. बट सुसाइड करने के बाद आगे फिर क्या होता है? या ऐसे होता है कि लोग सुसाइड करते हैं, उसमें ना उनके रोल मॉडल्स होते हैं, स्पेशली बॉलीवुड. बॉलीवुड को सुसाइड कर लेगा, देखा फाइनली देखो मुक्त हो गया बंदा, यार हम भी मुक्त हो जाएंगे. सो बॉलीवुड में तो खैर रेगुलरली कोई करते रहता है. प्रवीण बॉबी हो गई, नफीसा जोसफ हो गई, दिव्या भारती हो गई. देखिए तो इस तरह के रेगुलर इंटरवल पे होते रहते हैं सुसाइड. देखो ये लोग मुक्त हो गए प्रॉब्लम से. अरे मुक्त नहीं हो सकता, वो भूत होने आए. शास्त्रों के अनुसार समबडी कमिट सुसाइड बिफोर एज पर वंस कर्मा, कि भाई मुझे जान मान लो 50 साल तक बॉडी बनाया था, 35 की एज में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया, मैंने 35 की उम्र अपनी नस काट ली, हार पे पी लिया, मरिया मैं. अब अगले 15 साल मैं कहाँ रहूँगा? मैंने शरीर तो खत्म कर लिया. एज पर कर्मा आई वाज सपोज टू स्टे इन दिस बॉडी टिल 50, मैं 35 की उम्र मर लिया. अगले 15 साल भी भूत की योनि में रहना पड़ता है. एंड दैट्स वेरी पेनफुल. रीजनिंग, भूत की जो योनि होती है उसमें ना इट इज़ वेरी सटल बॉडी, इट्स नॉट ग्रॉस बॉडी. तो मैं कोई चीज़ ठीक से पकड़ नहीं पाता, प्यास लगती है, मैं ग्लास नहीं पकड़ सकता. तो दैट इज अ पर्सन स्टेज थर्स्टी, तड़पता रहता है वो. सो दैट इज वेरी वेरी ड्रेडिंग थिंग. तो इसलिए आत्महत्या आपको नहीं करनी चाहिए. जैसे मैं कहूँगी अगर यहाँ फोड़ा हो जाए तो हम ये कर सकते हैं अंगूठे में अगर फोड़ा हो गया है, एक है कि ना इसमें मलम लगा लूँ इसको ठीक कर लूँ, दूसरा है अंगूठा ही काट लूँ. कहते हैं अंगूठा नहीं रहेगा तो फोड़ा ही नहीं रहेगा. तो ये समझ आ रही है काम की बात है? नहीं. तो मेरी लाइफ में कोई दिक्कत है, उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे ना कि जिंदगी को खत्म करेंगे. सो दे आर पीपल हु गो फॉर वेरी सुसाइडल काइंड ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई हम मर करके सारे समस्या का समाधान करेंगे. नहीं सर, वो समस्या आप ही कैरी ओवर होंगी नेक्स्ट लाइफ में, बिकॉज समस्याएं क्या क्यों आई हैं? कर्मों की वजह से. सो माई कर्मा जिंदगी कैन कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लाइफ. तो आपने मर लिए, अब नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करो समस्याओं को. टॉलरेट करोगे तो कर्मा खत्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट लाइफ वुड बी ब्राइटर.
सो दैट इज दैट्स वेरी इलॉजिकल सॉल्यूशन. और ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन में आता है. ओह यस, कहां-कहां जाना पड़ेगा. ओह माय गॉड, रियली क्रेजी. प्रभु जी, आपकी जीवन को अगर हम एक वर्ड में अगर ले तो फिर वो एक वर्ड क्या रहेगा? आई वुड से मर्सी. मर्सी, दया, ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स ऑफ डिवोटीज, ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा, ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स. सो और क्योंकि मेरा जो लीगल नेम रहा है वो दैट इज आल्सो आशीष. आशीष मींस ब्लेसिंग्स. सो दैट इज आई थिंक ब्लेसिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रभु जी, आशीष अरोरा ज्यादा खुश है कि अमोक लीला. प्रभु जी, आशीष अरोरा वाज जस्ट अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. अमोक लीला दास इज मोर कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड. सो नो डाउट आई प्रेफर टू बी अमोक लीला दास. प्रभु जी, एक मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने ये क्वेश्चन आपसे पूछने बोला था, तांत्रिक होते हैं. या मोस्ट होते हैं. आई गेस मैंने तो पढ़ा है कि तंत्र मंत्र यंत्र ये तीन शास्त्रों में लिखा हुआ है, बट तांत्रिक एक्चुअली होते हैं. Tantric hote hain, of course they have some mystical powers. So they have, so they misuse it. Aur acche bhi hote hain. Haan ji, hum sabki help karte hain. Help karte hain, bachate bhi hain in sab cheezon se. They negate all these negative powers. But bure bhi hote hain. So these are powers which can be used or misused. Prabhu ji, ek game khelna chahte hain hum aapse. Okay, sure. Hum aapko ek word denge aur wo word pe aapko ek word answer bhi dena hai, but uske sath ek explanation bhi, chhota sa explanation dena. Okay, all right. Knowledge. The GPS of life. Perfect. Love. A rare commodity and divine in nature. Life. A blessing of the Lord. Gratitude. Is a right attitude. Attachment. To Krishna is best. Spirituality. Is a must for everyone. Ignorance. Is a root cause of all miseries. Movies. Bollywood movies. Biggest illusion. Lust is a rust. Anger is one step short of danger. D and then plus anger, so one step short of danger. Ego, the king of all problems, the root of all problems. Money is honey when spent in Krishna's service. Oh my god, dil chura liya bro ji. Moksh, a side product of love, divine love for Krishna. And last में Krishna, the goal of life. Perfect, perfect. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much. आपने मेरा दिल चुरा लिया. आपने I guess मेरे सारे answers दे दिए. मेरे सभी viewers भी आपको बहुत चाहते हैं. और thank you so much, Prabhuji. Thank you very much. Thank you all the viewers, all the listeners, and to Yash and all the team who are here who invited me for this podcast. Thank you very much. I wish you all the very best. Keep spreading the good news. And stay blessed. Chant Hare Krishna and be really happy. Yeah. Thank you so much. Thank you all very much. Hare Krishna. Hare Krishna.